नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं किशन सैनी। आज हम जिला परिषद के वार्ड नंबर 5 पे यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ आप तेजपाल जी को देख रहे हैं और ये जो है जिला परिषद के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जो लोगों के डोनेट दिए हुए पैसे से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर इस गाँव में जो है ये दो गाँव हैं, छाजियावास गाँव में यहाँ पर मौजूद हैं और निम्बी और छाजियावास की आज मीटिंग भी हुई है और उन लोगों ने भी इनको समर्थन दिया है और काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे। करीब 400-500 की स्ट्रेंथ लोगों की वहाँ पर मौजूद थी। तो हमारे साथ तेजपाल जी हैं, इनसे जानकारी ले लेते हैं किस तरह से क्या चुनाव में चल रहा है और किस तरह की कैंपेनिंग चल रही है और गांव में जा रहे हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। तेजपाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, धन्यवाद सर। MGN के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तेजपाल जी, जैसे सबसे पहले बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या काम करते हैं आप? मेरी क्वालिफिकेशन जो है, मैंने बीटेक किया है। हरियाणा में एक YMCA कॉलेज है फरीदाबाद में, उससे मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल फील्ड से, ट्रेड से। उसके बाद मैंने 2 साल विप्रो में और बाहर दिल्ली में कई कंपनियों में जॉब की है। उसके बाद 2 साल मैंने यदुवंशी में फिजिक्स पढ़ाई और 2 साल RPS में फिजिक्स पढ़ाई है। उसके बाद मैं अब जो है नर्सरी है अपनी महेंद्रगढ़ में, इंजीनियर्स नर्सरी, तो लगभग 1.25 साल से उसको संभाल रहा हूँ। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन और प्रोफेशन है। तो ये जो नर्सरी आपने की हुई है, ये अपनी खुद की जगह पे या रेंट पे ली हुई है? ये रेंट पे है और मेरा पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो इसलिए नर्सरी की तरफ एक इंजीनियरिंग फील्ड और फिर फिजिक्स पढ़ाना जो प्रोफेसर वाला फील्ड था, टीचर वाला फील्ड था, वो छोड़ के अब पर्यावरण वाले फील्ड के ऊपर काम कर रहे थे। तेजपाल जी, आपने ऐसा क्यों सोचा कि भाई हमें चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव मैदान में उतरने की आपने क्यों ठानी? सर, चुनाव की बात ऐसी है, जैसे ही मैं यहाँ आया था या उससे पहले भी अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, मोदी जी आए थे, केजरीवाल जी आए थे, तो इनकी वजह से यूथ पॉलिटिक्स में आ गया था, तो कहीं ना कहीं बात करता था, यूथ का इंटरेस्ट बढ़ा, उसके साथ मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा अन्ना आंदोलन के बाद, मोदी जी की वजह से, केजरीवाल जी की वजह से, तो इन सब की वजह से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा कि क्या काम होने चाहिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए, रोड पे काम होना चाहिए, बिजली पे काम होना चाहिए, स्कूलों पे काम होना। जब पढ़ाना शुरू किया तो समझ आया स्कूलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, तो मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है शिक्षा को लेकर के कि कितना मुश्किल होता है एक परिवार के लिए फ़ीस देना, सारी अपनी इच्छाएँ मार के, सारे खर्चे कम करके, अपने बहुत सारे कर्जे लेके पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, बीटेक करवाना है या डॉक्टरी जैसे फील्ड है, इनमें तो ज़मीन बिक जाती है, तो ये बहुत मुश्किल काम है, तो इसके लिए हमारी सरकारों को काम करना चाहिए। तो हमने आवाज़ उठाई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हम बोले हैं, गांव-गांव जाके सभाएं भी की हैं, महेंद्रगढ़ में भी जो भी मंच होता है उस पे जाते हैं, और भी बहुत सारे मंच, जैसे सड़क की बात हो, बिजली पानी की बात हो, अपने ये एरिया जो इलाका है हमारा, जो महेंद्रगढ़ का इलाका है हमारा, वार्ड नंबर 5 आता है, इसमें कुछ गाँव को छोड़ के, जैसे जो ये अपना हाईवे है NH 48 बोलते हैं, इसके जो इधर वेस्ट में पड़ेंगे, पश्चिम में जो गांव पड़ते हैं, सबकी बुरी हालत है पानी को लेकर के, यहाँ लगभग कुएँ फेल हो चुके हैं। हमारे गांव में ये मान लो 50-60% कुएँ फेल हो चुके हैं, पानी की बहुत भारी समस्या है। इस एरिया में बच्चों की शादी होने में भी दिक्कत आती है, ये कह देते हैं कि आपके एरिया में आपके पास ज़मीन तो है लेकिन पानी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको देख देख के हमने कोशिश की, अधिकारियों से मिले लेकिन सोल्व नहीं हो रहे हैं, बहुत कम सोल होते हैं, हमारे नेताओं की नीयत नहीं है, वो पता नहीं गुड़गांव बैठे रहते हैं। तो इसलिए मन किया कि कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए थे मोदी जी और केजरीवाल जी की वजह से, तो मन किया कि राजनीति के अंदर आके कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करने की कोशिश करेंगे। तो तेजपाल जी, जैसे ये तो आपने मुद्दे बताए, क्योंकि हमें एक बात का पता लगा कि जैसे आप राजनीति में काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं और आम आदमी पार्टी से आप जुड़े हैं, तो कहीं पार्टी का भी इसमें प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखो जी, पार्टी का प्रभाव जो होता है वो विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा होता है। ये जो चुनाव है अब तक तो भाईचारे में होता है और इस बार भी लगभग ना के बराबर कोई पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही है, कोई भी बड़ी पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं उतार रही है। तो मैं तो निर्दलीय लड़ रहा हूँ, मेरी विचारधारा शिक्षा स्वास्थ्य की, इसलिए केजरीवाल जी को समर्थन दे रखा था, उनके लिए काम किया था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी जो है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, भाईचारे के बिहाफ पे लड़ रहे हैं, अभी पार्टी का कोई रोल नहीं है। तो जैसे आज आपके गांव में दोनों गांवों की बैठ करके साझा मीटिंग हुई है और उसमें किस तरह के निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि ये पूरी बेल्ट है दुलोट अहीर से लेकर के और जाटवास गांव तक पूरी बेल्ट है और इस गांव में आप एक ही कैंडिडेट हैं जो इस चुनाव मैदान में उतरे हैं, बाकी दूसरी साइड से हैं? बिल्कुल, हमारी बेल्ट का जो भाईचारा है बहुत बढ़िया है और आज जो पंचायत हुई है उसमें लगभग 400 लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि पूरा सहयोग करेंगे, सहमति दर्ज करवाइए, कल पर्चा भरने के लिए समर्थन दिया है। तो उन्होंने कहा है कि हम
कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ोन करें एक बार आज बैठ करके, और कल से ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और वोट देने की अपील करेंगे। उसके साथ लोगों ने एक और सहयोग करने की बात कही है कि मैंने ये मांगा है लोगों से, बल्कि लोगों कहने से पहले मैंने ये मांगा है कि मैं ये इलेक्शन बिना खर्चे के लड़ रहा हूँ, लोगों जनता के सहयोग से लड़ रहा हूँ। तो उन्होंने 50, 100, 200, 10,000, 5,000 जो भी मेरा खर्चा लगेगा उसमें सहयोग करवाने की पूरी वो मेरे को वचन दिया है एक प्रकार से। इसमें एक बात और भी हमें जैसे सुनने को आई है, आपने बगैर शराब के, ये मतलब कई बार खर्चा होता है कि कोई शराब पिलाता है या कोई पैसे दे देता है या फिर वोट को खरीदने की कोशिश करता है, इसमें भी हमें जैसे कई महिलाओं से हमने बात की कि भाई तेजपाल जी हैं तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बगैर शराब के, क्योंकि उन महिलाओं के परिवार में अगर शराब पी के कोई जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि उन महिलाओं में आप काफ़ी जो है पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि तेजपाल जो है शराब नहीं बांट रहे और ना ही पैसे का वेस्टेज कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सुनने को आ रहा है। शराब की वजह से घर में लड़ाई होती है, और वैसे तो कहने को आता है पॉलिटिक्स समाज सेवा के लिए है, और घर में लड़ाई करवाते हैं इलेक्शन जीतने से पहले ही, तो ये घर में लड़ाई करा के इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है, ये गलतफहमी है लोगों की। तो मेरा तो सभी दूसरे साथियों से भी निवेदन है ऐसी चीज़ें ना करें, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरे पास ही फ़ोन आते हैं कि भाई लोग दारू पी के परेशान कर रहे हैं, तो इनसे घर वाले बहुत परेशान हैं, इसलिए महिलाओं का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है कि दारू नहीं पिलाइए। इसलिए दूसरा, हम खर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जो ज़्यादातर खर्चा जाता है वो दारू में या कोई पैसे डोनेट करने में, सीधा पैसे देते हैं, कोई 1,00,000 रुपये दे देता है, कोई 50,000। आजकल तो एक ट्रेंड और भी चला हुआ है कि प्रोग्राम करवाओ, और प्रोग्राम करवाने के लिए हर गाँव में 10-5 लोग ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम करवाते हैं, और वो हर आदमी से पैसा लेते हैं। जैसे एक प्रोग्राम करवा दिया 20,000 रुपये लेंगे, जो खर्चा लगा वो तो ठीक है, 10,000 का खर्चा लगा दिया 10, फिर दूसरे का प्रोग्राम करवा देता है वही आदमी, और जो कैंडिडेट है उसको भी पता है ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मेरे वोटर नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं माहौल बनाने के लिए वो वेस्टेज वहाँ कर रहे हैं पैसे की, आम वोटर को टच नहीं कर पाते। तो मेरी अपील है जनता को, ये भीड़ भड़ाके वाली पॉलिटिक्स से बचे, जो मुद्दे हैं उन पर बात करें, जो भी कैंडिडेट आता है उससे भी मुद्दों के ऊपर बात करें कि क्या क्या करेंगे और अब तक क्या क्या किया है और कैसे संघर्ष करेंगे। आप कौन से मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में? इसमें जैसे जो पार्षद का चुनाव है, जैसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पार्षद का चुनाव जो है इसमें बहुत छोटी छोटी कमियां हैं। जैसे अपने गलियां तो बहुत बढ़िया है, लगभग गांवों की गलियां अपने शहरों से बहुत बढ़िया है, आपने देखा होगा, शहर में रहते हो लेकिन अब आपके विजिट गाँव में ज़्यादा है तो आपने देखा होगा साफ़ सुथरे रास्ते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ क्या है, कहीं कोई जो नलका है वो टूट गया उसकी वजह से पानी भरा रहता है, किसी गली में ट्रैक्टर की वजह से नाला धस गया, बहुत छोटी छोटी कमियां हैं। आज के टाइम जो समस्या है, जैसे जो स्ट्रीट लाइट है वो ख़राब पड़ी है, कुछ छोटी मोटी गलियां हैं जो नहीं बनी है, तो ये छोटी मोटी ही समस्या है गांव में। जो लगातार जो है आपके गांव में जब एंट्री करते हैं तो ये पानी हमें लगातार कई सालों से यहाँ भरता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी काफ़ी बड़ी समस्या है। बिल्कुल, इसको लेकर के उधर एक जनरेटर सिस्टम बनाया है, उसको अगर पक्का कोई सिविल लाइन टाइप से डाल के अगर उसको उधर भेजा जा सकता है तो वो करवाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जैसे कितने गाँव आप कवर कर चुके हैं, किन किन गाँव का दौरा किया, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? जब चुनाव की डेट आई थी उससे पहले मैंने सारे गांव डोर टू डोर लगभग कवर कर दिए थे, 1/3 पोर्शन 1/2 पोर्शन इस टाइप से, क्योंकि हर आदमी को तो टच नहीं कर सकते हो इतनी जल्दी। और हमने उस टाइम तो हमारे पास समय होता था तो हम पौधा लेके जाते थे, तुलसी का पौधा या मनी प्लांट का पौधा अपनी नर्सरी की तरफ से गिफ्ट करते थे, एक गिफ्ट हो गया मिलने के नाम पर, तो वो करते थे, लेकिन अब समय का अभाव है तो अभी तो डायरेक्ट हम विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद की अपील कर रहे हैं बस। तो आप दोबारा से हमने लगभग 10 गांव टच कर दिए हैं डोर टू डोर में। तो आप जैसे उन कैंडिडेटों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो हाल ही मैदान में उतरे हैं और आप काफ़ी सालों से सक्रिय हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? चुनाव लड़ना सबका हक है, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जो एकदम से आता है और बिना संघर्ष के आता है, पैसे के बलबूते पर आता है, तो जो घर लुटा के जीत लेके जाएगा वो जीत के बाद घर बनाएगा, तो सोच समझ के वोट करें, जो ज़्यादा पैसे लगा रहा है वो आपसे ज़्यादा पैसे आपके जेब से ही निकालेगा। ठीक है जी, थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ तेजपाल जी छाजियावास से हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से ये गांव के विकास करेंगे और किस तरह से बगैर खर्चे ये वोट की तैयारियाँ कर रहे हैं और इनको डोनेशन भी मिल रहा है, और इन्होंने सबसे बड़ी बात तो है कि ये शराब नहीं बांटने की कसम खाई है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि इस तरह की चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि हर तरफ इस तरह का बोलबाला होता है कि शाम को जिस तरह से शराब पी करके घर में झगड़ा होना, इस तरह की बातें आम हो जाती हैं चुनाव के टाइम में। इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है पहल की है
और ये आम आदमी पार्टी से संपर्क रखते हैं। बाकी भाईचारे का चुनाव है, ये गांव जो है पूरा जो बेल्ट है यहाँ से ये करीब 18 से 20 गांव हैं इस वार्ड नंबर 5 में आते हैं। तो तेजपाल जी ने भी कल यहाँ से नॉमिनेशन फार्म भरेंगे, तो देखते हैं किस तरह से किसका पलड़ा भारी होगा और किसको जीत मिलेगी और किसको हार, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तो हम किसी ना किसी मोड पे फिर दोबारा से हाजिर होते हैं, आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।